हम लोग जी पहुंच गए हैं बीच किनारे और क्रियांश का एक्साइटमेंट देख सकते हैं। क्रियांश जो है पानी से भाग रहा है डर के। तो जिया यहाँ पर ड्रेस दिख रही है और हमें और क्रियांश को भी कुछ ड्रेस यहाँ पर लेना है। हम लोग आगे हैं एक पंजाबी ढाबा में। यहाँ से 15 किलोमीटर है, नाइट राइड होने वाला है, मजा आने वाला है। तो अभी आए हुए थे जी बाहर, जो लेना था स्कूटी रेंट पर, तो यहाँ पर एक्टिवा मिल गया है। एक्टिवा के अलावा कुछ और देख रहे थे ये, लेकिन वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं रहा। चाबी दिया गया, लगा हुआ है उसमें। और हम लोग अब चलते हैं रूम पर, जल्दी से अपना जो तैयार होकर के निकलेंगे। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं मीरामार बीच। तो 6:30 में बताया जा रहा है वहाँ पर सनसेट पॉइंट है, तो चलते हैं, सनसेट का भी आनंद लेते हैं। स्कूटी सब तो लिया हुआ हो गया जी, उसके बाद चल रहे हैं जल्दी से अंदर। और जिया और पूजा जी सभी को कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाए और हम लोग जो है सनसेट का आनंद ले पाए। 6:30 में बोला गया है की सनसेट का समय है, अभी हम लोग के हाथ में जो है लगभग 1 घंटा समय है। सनसेट पॉइंट है मीरामार बीच, वहाँ पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चलेंगे ऐसा बीच में जहाँ थोड़ा साफ सुथरा रहे और नहा सके हम लोग, थोड़ा सा वो भी करना है, तो चलते हैं। A few moments later. हम लोग जी यहाँ से अब निकल रहे हैं, सभी लोग अपना ड्रेस पहन कर भी तैयार है। उधर जिया आ रही है और दोनों बच्चे जो है फिलहाल अभी सोए हुए हैं और थोड़ा सा जो है शाम भी हो गया है, तो जल्दी से चला जाए और शाम का जो सनसेट है उसको एंजॉय कर पाए। क्रियांश सोया हुआ है और इधर है हमारी बाइक। बिल्कुल जी हम लोग रेडी हैं और बस चलते ही है। हाँ, ले लिया है। 6 बजे सनसेट बोला था ना, 6:30 बजे बोला था। हाँ, और इधर पूजा है। ओके ओके। क्रियांश सो के उठ गया हीरो। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी मीरामार बीच के पास, गाड़ी को जो है वहां पर पार्क कर दिया है, तो चलते हैं अंदर। वैसे हम लोग आए हुए थे सनसेट देखने के लिए, जो कि सनसेट यहाँ पर काफी पहले ही हो चुका है, तो वहाँ तो मिस हो गया एक सनसेट पॉइंट, लेकिन कोई बात नहीं, जो आगे का नज़ारा है वह ज़रूर देखेंगे। और क्रियांश अभी तक सोया हुआ था और क्रियांश भी फिलहाल जो है जग चुका है। और अब मैं जो है ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, अब मैं आपको सीधा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग जी पहुँच गए हैं बीच किनारे और क्रियांश का एक्साइटमेंट देख सकते हैं। क्रियांश तो सोच रहा है कब गोद से उतरे और यहाँ पर जो है अपना दौड़ना भागना स्टार्ट कर दे। ये देखिए पीछे कुछ ऐसा नज़ारा है। ओह हो, क्रियांश जो है पानी से भाग रहा है डर के, भागो 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 भागो, पकड़ो 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 पकड़ो। और पतिदेव यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी शॉट आ रही है। और क्रियांश जो हमेशा डरता है पानी से। हाँ चलो देखो देखो पानी, क्रियांश देखो देखो भाग भाग रहे भैया। One hour later. तो हम लोग जी अब यहाँ से जाने वाले हैं बागा बीच। एक बीच तो हमने घूम लिया, अब जाने वाले हैं बागा बीच। क्रियांश था कुल्फी, तो यहाँ फिलहाल हम लोग ले रहे हैं कुल्फी। मीरामार बीच से जी हम लोग चल दिए बागा बीच की तरफ, क्योंकि हम लोगों के पास जो अच्छा खासा समय था और सोचा कि यह जो समय है जो हम लोगों के पास है हाथ में, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सीधा हम लोग चल लिए। और रास्ते में जी हम लोगों को मिल गया ढेर सारा जाम, और उस जाम से मुक्ति पाने के लिए हमें जो है गूगल मैप ने जो है एक अलग रास्ता दिखा दिया था, और उस रास्ते से जो है हम लोग पहुँच गए बागा बीच की तरफ। और जब बागा बीच जा रहे थे जी, और उसका स्ट्रीट देख रहे थे, जो उसका वॉकिंग स्ट्रीट था, बिल्कुल जी एकदम लग रहा था जैसे कि फॉरेन में आ गए हैं। जैसा कि थाईलैंड में देखा होगा, बैंकॉक सबका, पटाया सबका जो वॉकिंग स्ट्रीट होता है, कुछ इसी टाइप का मंजर था। यहाँ पर लाउड म्यूजिक, पूरा पब और पूरा नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर सब कुछ था। हम लोग आए हुए हैं जी बागा बीच के पास, और बागा बीच के पास आकर के जो है यहाँ पर सबसे पहले आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो जिया यहाँ पर ड्रेस दिख रही है और हमें और क्रियांश को भी कुछ ड्रेस यहाँ पर लेना है, तो कुछ ड्रेस उठाएंगे, पहले देख लेते हैं जो जो चीज सब है यहाँ अवेलेबल, और ड्रेस लेकर के जो है फिर हम लोग घूमने चलेंगे। तो यहाँ ले लिया जी अपना ड्रेस, जिया लो रख लो। और उधर क्रियांश से आराम से उधर मजा रहा है, पूरा घूम रहा है, पूरा शॉप घूम लिया अच्छे से। करवा लो बिल करवा लो। और यहाँ शिवांश अपना जेसीबी लेकर के आया हुआ है, जहाँ भी गया है जेसीबी क्रियांश का साथ रहा है। सॉरी शिवांश, मेरे मुंह से निकल जा रहा है बार बार, क्रियांश शिवांश कंफ्यूजन हो जा रहा है। 20 minutes later. तो हम लोग पहुँच गए जी बागा बीच के पास। आपको यहाँ बहुत तेज आवाज आ रही होगी, अगर सब कुछ सही रहा तब तो यह आवाज रहेगा, वरना कॉपीराइट का यहाँ पर जो है इशू आ जाएगा, तो हम इस यहाँ पर जो वॉइस ओवर सब कर दिया करेंगे। तो अब चल रहे हैं बीच के साइड। फिर जी जब बीच पर पहुंच गए, बीच पर पहुंचने के बाद जो है हम लोगों ने जो है कुछ वहां पर थोड़ा घूमा फिरा और घूमने फिरने के बाद जी चले गए वहां पर। थोड़ा सा सोचा कि थिरक लिया जाए, वैसे तो जी हम डांस करने से बहुत ज्यादा बचते हैं, लेकिन सोचा कि अब गोवा आए और यहाँ पर सभी लोग झूम रहे हैं तो हम लोग जी चले गए। तो सबसे पहले जी चले गए थे रुद्र और पूजा, शिवांश को हमने संभाल रखा था। फिर वो लोग जो है कुछ देर बाद आए, फिर हमने जो है क्रियांश को उन्हें थमा दिया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा थिरके और जब वहाँ पर गए थिरकने जी देख रहे थे हमारे जैसे बहुत सारे मैरिड कपल थे, बहुत सारे कपल सब थे, तो काफी अच्छा लगा। जो भी डांस करने के शौकीन है, जिनको भी नाइट लाइफ बहुत पसंद है, तो उनको तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर एक बार उनको जरूर आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आपका जो है पैसा वसूल हो जाएगा। से कितना अच्छा व्यू है। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 10:30 और इस समय देख सकते हैं जी म्यूजिक का माहौल जो है अब थोड़ा शांत हो गया है। अच्छा है जी, अब यहाँ पर म्यूजिक सबका हो गया, माहौल खत्म और हमारा भी यहाँ पर एंजॉयमेंट हो गया। इसके बाद जो है अब हम लोग चल रहे हैं अपने बाइक के पास और बाइक ले करके जो है हम लोग चलेंगे नज़दीकी खाने के लिए, तो खाना खा लेंगे वहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पंजिम, तो पंजिम का लगभग राइड है अच्छा खासा, तो हम लोग पहुँच जाएंगे और आराम से सोएंगे रात में। क्रियांश को जी ले लिया हमने अब गोद में, क्योंकि जिया को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और जिया, कैसा लगा गोवा? बहुत अच्छा है। मज़ा आया बागा बीच में? हाँ। मॉर्निंग में हम लोग आएंगे। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, किसी दूसरे जगह जाएंगे। वहाँ पर जो है नहाने लायक सब भी रहेगा, क्योंकि उसके बीच का जो पानी है सुने थोड़ा साफ है, तो हम लोग जो है हाँ तो वहाँ चलेंगे। और उसके बाद जो है शाम में कहीं और चलेंगे। और क्रियांश तो बार बार चाह रहा है बालू में ही अपना घूमे, और यहाँ रेत में जो है इतना खेला है क्रियांश कि पूछिए मत, लोट पोट करके एकदम खेला है। तो हम लोग आ गए हैं एक पंजाबी ढाबा में और यहाँ पर जो है पराठा आ गया है। ताकि क्रियांश जो है आलू पराठा थोड़ा सा खा ले तो अच्छा रहेगा, उसी के लिए मंगवाया है। अगर क्रियांश खत्म नहीं करेगा तो बाकी फिर देखेंगे, हम लोग खत्म किया जाएगा। साथ में दही भी है और दही थोड़ा बहुत तो क्रियांश कभी कभी खा लेता है, तो देखते हैं पराठा दही मिला करके दिया जा रहा है। अच्छा तो बिना दही के खा ले, थोड़ा बहुत ही खाता है बस। और यहाँ पर एक ही अच्छा लगा यहाँ का रेस्टोरेंट वाला था, उनसे हमने कहा कि बच्चे के लिए दूध चाहिए, तो उन्होंने क्या हो जाएगा और बना करके दिया। दूध के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहे, कितना रिक्वेस्ट किया नहीं चार्ज लिए। वो वैसा ही दिखा था बेंगलोर के साइड में, बेंगलोर के एयरपोर्ट पर सोचिए स्टारबक्स में जो कॉफ़ी का रेट, चाय का रेट कितना अच्छा खासा होता है, और वहाँ से बिल्कुल वहाँ पर ऐसा दूध लिया हमने और दूध का कोई चार्ज नहीं लिया। उन्होंने कहा सर स्टारबक्स की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। तो फिलहाल यह खा लें, फिर हम लोग चलेंगे। 1 hour later हम लोग का तो पेट पूजा हो गया जी, और पेट पूजा करके अब सीधा चल रहे अपने रूम पर। यहाँ से लगभग हम लोग का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। अच्छा राइड होने वाला है अभी रात में, 15 किलोमीटर है बस। चलिए तब बढ़िया है। अच्छा मीरामार था जी, तब 20 हो गया था ना, तो यहाँ से 15 किलोमीटर है। नाइट राइड होने वाला है, मज़ा आने वाला है।